दुर्गा दुर्गा तिशमनी दुर्गा पद्मिनीवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापः। आठ भुजाओं वाली माँ जग जननी समस्त संसार पर अपनी ममता की करुणा बरसाती है एवं जिनकी दृष्टि पड़ते ही भक्तों के जीवन का कल्याण हो जाता है। सनातन धर्म में माँ दुर्गा जी के नौ रूपों को पूजा जाता है। ऐसा कहते हैं कि माँ आदिशक्ति की आराधना मात्र से जीवन सार्थक हो सकता है, इसलिए भक्तगण माँ को प्रसन्न करने के लिए दुर्गाष्टमी के दिन पूजा आराधना व व्रत करते हैं। हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से मासिक दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर भगवान सूर्य देवता जी को अर्घ्य दें। अब अपने गृह तथा पूजा स्थल को स्वच्छ करें। लकड़ी की एक साफ चौकी लें अथवा उस पर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माता दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके पश्चात माता को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें अथवा धूप दीप माता दुर्गा जी के समक्ष प्रज्वलित करें तथा माँ दुर्गा जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। माता दुर्गा जी को फल व मिठाई का भोग लगाएं। दुर्गाष्टमी के दिन ज्योति प्रज्वलित कर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस प्रकार माँ दुर्गा जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के समस्त दुखों का निवारण होता है तथा माँ दुर्गा जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है।